हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही सेंसिटिव, क्योंकि हर लड़कियों को जानना बहुत ज़रूरी है, एवरी गर्ल शुड मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की वीडियो। बहुत चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल जब साइकिल आपका चलता है, पीरियड्स आपका चलता है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे गाइड करते जाऊंगी, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी कि पैड को आप कैसे अपने पैंटी में लगा सकते हैं कि लीकेज ना हो, लीक प्रूफ रहे, और किस प्रकार से उसको सेट कर सकते हैं ताकि कम से कम 2 से 3 घंटे आपके पैंटी में वो अटैच रहे। लेकिन पैड्स को अगर आपकी फ्लो ज़्यादा है तो रेगुलर हर 2-2 घंटे में आपको चेंज करना ज़रूरी है, वॉश करके चेंज करिए, और उस एरिया को जो डीप डाउन है, बहुत सेंसिटिव रहता है, उसको क्लीन करके रखिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं लास्ट में बताऊँगी कि पैड को आप कैसे पैंटी में अटैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये कुछ पैंटी लाइनर्स हैं, ये देखिए, इसको हम पैंटी लाइनर बोलते हैं। यदि आपका फ़्लो कम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एंडिंग में फ़्लो हमारा बहुत कम हो जाता है, बहुत, और हम अपना जो बड़ा साइज़ का पैड है उसे हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेनिफिट ये रहता है कि ये स्मॉल साइज़ का पैड है, और इसे आप जब पीरियड नहीं भी हो और वाइट डिस्चार्ज जब होता है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ मतलब ये स्पेशली उस पर्पस के लिए भी बना हुआ है। तो ये है, और इसे मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। ये है, ये जिस पैड के एग्जैक्ट सेम आता है, बट ये मिनी वर्जन रहता है, छोटा साइज़ का रहता है और छोटा रहता है, ये इस प्रकार से कुछ रहता है। जैसे जब लास्ट 4th-5th डेज हो आपका, जिसमें बहुत ड्रॉप ड्रॉप करके आए, तो उसके लिए ये है। ये सेम पैड के जैसे ही है, इसको निकालना है और इसको अटैच करके आपको यूज़ करना है। तो ये कुछ ऐसा है। और जैसे अगर पीरियड आपके नहीं भी चल रहा है, तो अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहने वाला है। बाद वी हैव दिस टैम्पॉन्स, यदि आप टैम्पॉन्स यूज़ करती हैं तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद। टैम्पॉन्स है मेरे सामने, इसे भी यूज़ करने का तरीका मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं। इसको रैप को खोलना है, ये जो रैप है आप पॉलीथीन का है, और सीधे इसको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, और कम से कम 1-2 घंटे के लिए आप फुर्सत हो सकती है। एक पीछे ये देख सकते हैं, पीछे एक थ्रेड दिया हुआ है, तो ये थ्रेड को आपको बाहर में रखना है, अंदर नहीं करना है, क्योंकि इसी थ्रेड से आप उसको पुल आउट करेंगे जब आपका ये वेट हो जाएगा। तो ये थ्रेड दिया हुआ है, तो थ्रेड को आपको बाहर में रखना है, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस ह्यूज वाला पैड, ये देखिए, ये जब आपका बहुत काफ़ी हैवी फ्लो है, बहुत हैवी चल रहा है, तो उसके लिए है ये। ये लार्ज साइज़ का है, सबसे लार्ज है, और ये जो छोटा है रहता है, ये लॉन्ग जो पोर्शन है वो बैक साइड में रहेगा, ये आपका सामने साइड में रहेगा। और ये इस प्रकार से इसको निकालना है, ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे अटैच करना है पैंटी में। ये देखिए कुछ ये इस प्रकार से है, पीछे का पोर्शन है, इसको निकाल देना है आपको। ये देखिए, अगर नाइट में आपको लगाना है तो आप नाइट में इसे, और इसका और थोड़ा बड़ा साइज़ भी आता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ वेट वाइप है, वेट वाइप अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वॉश नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि क्लीन रखना और हाइजीन रखना, जब आपका पीरियड चल रहा है, मंथली मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, तो आपको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए,
कि अगर पानी से वॉश नहीं कर सकते तो वाइप को खोल के वाइप करके क्लीन करके ही पैंटी क्लीन करके ही पैड्स को चेंज करिएगा। और ये नीम का है स्पेशली, मैंने इसे नीम का इसीलिए लिया है कि नीम एंटीबैक्टीरियल रहता है तो इसलिए वो असरदार है, तो इसलिए मैंने उसे लिया। और ये पैंटी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए ये पैंटी है, इसे इस प्रकार से आप खोल लीजिए। ये छोटा पैंटी लाइनर है, इसको ऐसे खोलना है। ये इसको ऐसा सीधा कर लीजिए। ये पोर्शन सामने रहेगा और ये पोर्शन पीछे रहेगा, तो इसे आप बराबर डिवाइड करके जो लंबा पार्ट रहता है उसको पीछे थोड़ा ज़्यादा पीछे करके सामने थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि जब पीछे ये अटैच ज़्यादा लॉन्ग रहता है इधर तक तो उससे क्या होता है, लीकेज के चांसेस बहुत ज़ीरो हो जाते हैं, लीकेज नहीं होता है, लीक प्रूफ रहता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको अटैच करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये तो पैंटी लाइनर है, पैड्स भी इस प्रकार से लगाना है। और पैड थोड़ा सा ये चौड़ा रहता है, ये थोड़ा छोटा है, पैड थोड़ा चौड़ा रहता है, तो उसको पीछे क्या करना है आपको, यहाँ पे अटैच कर लेना है दोनों को। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। पैड भी मैं अटैच करके दिखा देती हूँ आपको। ये है पैड, जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग पोर्शन पीछे रहेगा। ये देखिए ऐसे करके इसमें अटैच करना है, लॉन्ग पोर्शन को पीछे रखना है जितना पीछे जा सकता है, बहुत पीछे भी नहीं रखना और सामने कुछ पोर्शन को रखना है इस प्रकार से। ये देखिए, और इसको पीछे से ऐसे लगा देना है। ये देखिए बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। देखिए पीछे इस हिसाब से इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम इसको अटैच और डिटर इसको अटैच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो गाइस, और भी मैं पैड्स के बारे में वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी। और यदि कोई क्वारीज होगी आपको रिगार्डिंग दिस तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। See you. Take care. Bye.